इसमें वजीरे आला को बुलाने की क्या जरूरत है? ये तो मेरे बाएं हाथ के दाएं उंगलियों के बाएं अंगूठे का खेल है। थोड़ा थोड़ा वजनी है, है? मैं हटाता हूं। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि वाकई में तुम्हें चोट लगी है। मैं इसे अभी हटाता हूं। चोट लग गई, इधर रही। इतनी तेज से आप बातें कर रहे थे और अब हमदर्दी दिखा रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, अब मुझे लगा कि पिछली बार की तरह आप फिर से। छोड़िए, मैं आपको आपके कमरे तक ले जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी आराम करने के लिए इससे बेहतर जगह आपको नहीं मिलेगी। हमारा मतलब है कि वजीर आला हमारी मदद करने के लिए आते ही होंगे, हम उनके साथ जाएंगे। और अगर वो नहीं आए तो? लग तो ऐसे ही रहा है। अब वो जरूर आएंगे, हमें यकीन है। और मुझे आपके यकीन पर बिल्कुल यकीन नहीं। कोई बात नहीं, वो छिपकली देख रही है। आप यहाँ बैठ कर आराम से उस छिपकली से बात करिए, ठीक है? जब तो वजीर आला नहीं आ जाते, मैं चलता। सीरियल सो गए क्या? सारा खेल बिगड़ गया। अली, वो आप वो हमें हमारे कमरे तक ले जाने की बात कर रहे थे ना? क्या कहा था अली ने? बिंती से मोहब्बत का नाटक नहीं करना है, बस सिर्फ उसे तवज्जो देनी है। वजीर आला अगर इस वक्त आपके सामने दिया जाए तो आप किस अंदाज में उनसे पूछेंगे? कैसी हो? मेरे कमरे में दाखिल होने से पहले मेरा हालचाल पूछ रहे हैं वजीर आला। कहीं इनको शहजादी की तरकीब के बारे में तो नहीं पता चल गया? जी वजीर आला, मैं तो ठीक हूँ। शहजादी आपको याद कर रही थी, उन्होंने आपको बुलाया है। शहजादी से तो हम मिलते रहते हैं, आपसे बातचीत का मौका नहीं मिलता। बैठिए। वजीर आला, वो शहजादी आपको बुला दी। हम शहजादी से मिल लेंगे, लेकिन फिलहाल आप बैठिए और हमें बताओ तुम कैसी हो। पर वजीर आला, बैठ जाओ।
और बताओ कैसी हो, घर पर सब कैसे हैं? घर पे सब खैरियत है वजीर आला। ये वजीर आला को आज क्या हुआ? खैर मुझे शहजादी का पैगाम देके यहाँ से निकलना होगा जल्दी। अब माफ कीजिए वजीर आला, लेकिन शहजादी ने आपको बुलाया था। कुछ तो गड़बड़ है। आका, प्रीति को कोई आपसे जरूरी काम था? तुम्हें उससे क्या मतलब कि वो किसी भी मकसद से यहाँ आए हो? हम तुम्हारे काम में कभी दखल अंदाजी करते हैं? नहीं। लेकिन आका, आप मेरे काम में दखल अंदाजी क्यों करेंगे? क्योंकि जो मेरा काम है वो तो आप ही देते हैं, और अगर आप दखल अंदाजी करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। नुकसान हमारा ही तो हो रहा है, तुम कोई काम ठीक से थोड़ी करते हो। रेगिस्तान में खोया हुआ सोना, उसके बारे में कोई मालूमात हासिल हुई? नहीं आका। सम खुदा के, हमारा दिल कर रहा है कि तुम्हारी नजर उतारे। माशाल्लाह, आप मेरी नजर उतार दीजिए। जिस्म से सबसे ताकतवर। शुक्रिया का, लेकिन दिमाग में भूसा भरा हुआ। अरे कोई बात नहीं आका, ऊपर वाले ने आपको जैसा बना दिया तो अब क्या कर सकते हैं? हम अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहे हैं बेवकूफ। तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर जिन हो, हमारे जिन हो, लेकिन इतना वक्त बीत गया, तुम उस रेगिस्तान में गायब हुए सोने के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं कर सके। एक तरफ अली है जो दोस्ती के नाम पे हर कदम पर हमारा साथ देना चाहता है, तुमसे बेहतर वो अली है। अली, बहुत उछल रहा है, तूने मुझसे दुश्मनी मोल लिया बच्चू, अब तो तू गया उस्ताद आफत अली खान। आखिर किस कदर प्रीति शर्मा रही थी। मजा तो तब आएगा जब वो ये सारे किस्से जाकर शहजादी को बताएंगी, और शहजादी क्या हुआ? शहजादी भी लग गई, ऊपर से इस अली की मदद लेनी पड़ी। वजीर आला, आपकी अमानत। ये गिर पड़ी थी, काफी चोट लगी है इन्हें, और आपको मदद के लिए बुलाया था, लेकिन आप वहां आए नहीं तो मुझे जाना पड़ा। शहजादी यास्मीन, आप ठीक हैं? हम ठीक हैं। शुक्रिया अली। आपके लिए कुछ भी। ये आप इनकी मदद करने कैसे पहुंच गए?
वो क्या है कि जिस कमरे में शहजादी थी मैं उस कमरे के पास से गुजर रहा था और तभी मुझे शहजादी की आवाज आई। मैं भाग के अंदर गया तो देखा कि वो जमीन पर गिरी हुई थी। अब मैं यारों का यार हूँ और शहजादी मेरे यार का प्यार है, उनकी मदद तो करनी थी ना। और हाँ, शहजादी ने आपको बुलवाया था, आप आए क्यों नहीं? वो पता है शहजादी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही थी वजीर आला। सिद्दी तो आई थी हमें बुलाने, लेकिन आपके बताने के मुताबिक हम उनमें दिलचस्पी दिखाने लगे, बातचीत करने लगे और ये बात हमारे जहन से रह गई। रे रे वजीरे आला, वजीरे आला, आप कितने भोलू हैं, मतलब भोले हैं। शहजादी जब आसपास हो तब पिद्दी पे दिलचस्पी दिखाना है। शहजादी की गैर मौजूदगी में पिद्दी पर दिलचस्पी दिखाने का क्या फायदा? अब ये मौजूदगी गैर मौजूदगी हमारे जहन में नहीं रहती है सारी बातें, हमें क्या पता था इस बात का। दिक्कत तो होगी ना वजीरिया। देखिए वजीरिया, अब मैं आपको जो कहूँ ना उसे आप अच्छे से सुनिए भी और अच्छे से याद भी रखिए। दूर जाने पे इतना परेशान हो रहे हो, तब क्या करोगे जब आपका ये यार आपके प्यार को आपसे पूरी तरह से छीन लेगा। तैयार रहो जफर, क्योंकि और कुछ होना ये जरूर होगा। माफ कीजिएगा शहजादी, लेकिन अगर मैं सेक नहीं लगाऊंगी तो चोट नहीं ठीक होगा। ध्यान से, ये सब कैसे हुआ? आपने तो कहा था कि आप सिर्फ गिरने का नाटक करेंगे, फिर आपको ऐसे सच में चोट कैसे लग गई? और आपको पता है मैं वजीर आला को बुलाने गई थी, पता नहीं वो थोड़ी दिक्कतें आई पिती, लेकिन हमारा काम हो गया। काम हो गया? हमें अली की बाहों में देखकर वजीर आला के चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इसका मतलब अली का काम तमाम? अभी नहीं, अभी हमें अली को चने के झाड़ पर और चढ़ाना होगा, और जब वो गिरेगा तो ऐसा गिरेगा कि उठ नहीं पाएगा, और वजीर आला वो भी उसकी मदद नहीं करेंगे। बड़ा मजा आने वाला है पिद्दी। ये मुझे क्या हो गया?
हम जानते हैं तुम कौन हो। कोई जानता है मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आका आ गए। आका, ये क्या हो गया आपको? आका, आप अचानक से ही गायब हो गए थे। हमें आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। ये जरूर शहजादी का काम है। उसी ने आपको दोबारा मिलने के लिए बुलाया था ना? हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि इस खत के दो मतलब हो सकते हैं। पहला कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, और दूसरा कि कोई हमारे लिए जाल बिछा रहा है। इस कोई की तहकीकात जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि ये जो भी है इसके पास जादुई कालीन है। जादुई कालीन मतलब तो सालों की भूरी, मेरा मतलब आपके प्यारे जिनों की कालीन। इस जादुई कालीन के बारे में सिर्फ चार लोग जानते हैं, जिनू, नक्चड़ी, मैं और तुम। बिन पेंदी के लोटे सिक्के खोटे, क्या तुमने ही तो आका को वो खत नहीं भेजा? आज तुमने साबित कर दिया कि अकल का और उम्र का कोई लेन देन नहीं है। अपने 1500 साल के तजुर्बे को चूहे मारने की दवाई के साथ कल सुबह नाश्ते में खा लेना। अगर ऐसा है तो कल नाश्ते में तुम भी जरूर हमारे साथ आ जाना। तुम लोग का अलग ही चलता रहता है। ये जो भी है कालीन के बारे में भी जानता है और मेरे बारे में भी, और इस वक्त हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ये है। हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी इसे ढूंढने के लिए। लेकिन आका, बिना सुराग के हम उसे ढूंढेंगे कैसे? आका शिकारी तीर चलाने के बाद देखने जरूर आता है कि तीर निशाने पर लगा या नहीं। सोचो सोचो। चाचा की बात पर दम है, और अब शिकारी का शिकार करने का वक्त आ गया है। टोली, होशियार रहना, सब पे नजर रखना। आका, मुझे लगता है कि ये काम शहजादी का है। पहले उन्होंने बोतल में खत भेजा, फिर उन्होंने पिद्दी को भेज दिया, और अब कालीन भेजी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। शहजादी का और इस मसले का आपको लेना देना ही नहीं है। तुम दोनों में से किसका शक सही है वो अभी पता चल जाएगा।
काका, क्या याद आ गया आपको? कभी हमें भी अपनी मोहब्बत की कहानियां सुनाओ ना। कहा था मैंने, शहजादी और इस मामले का कोई लेना देना नहीं है। पर नहीं, तुम तो बेकार में शक कर रहे थे। अरे वो बिचारी तो वहां चैन से सुकून से सो रही थी। शहजादी और आका का जो मामला है ना, वो दिल वाला मामला है। ऐसे मामलों में ना दिमाग नहीं, दिल का इस्तेमाल किया जाता है। क्या बात है जिनी मिनी, आजकल तुम दिल के मामलों में बहुत दिलचस्पी ले रही हो। तुम्हारा क्या काम है चिमरू मौकर? आजकल ये उल्लू गुल्लू जहां देखो वहां टकरा जाता है, हमारी बातें चोरी छुपे सुनना चाहता है। मुझे तो इस पर भी शक है। और हमें इसके अम्मी अब्बू पर। सुना है आजकल आका के बारे में बहुत पूछताछ करते रहते हैं। मुझे तो जीनू पर शक है। अरे कल भी हम छत पर बात कर रहे थे और मुझे यूं अकेले छोड़ के चला गया। हो सकता है कि जीनू ने ही खत भेजा। लेकिन जीनू इतना बड़ा कदम अपने आका की इजाजत यानी जफर के बिना नहीं उठा सकता। कहीं इस काम में जफर भी तो शामिल नहीं? टोली ये मामला संजीदा भी हो गया है और उलझ भी गया है। हमें जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाना होगा। इतनी जल्दी मेरा राज सबके सामने नहीं आ सकता। मुझे उस खत लिखने वाले को पकड़ना ही होगा। पता नहीं वो खत लिखने वाला कौन होगा। जल्द से जल्द उसे ना पकड़ा तो सारा किए कराए पर पानी फिर जाएगा।